हम लोग क्लास सिक्स चैप्टर नंबर टू ग्लोब के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ग्लोब है, ये जो जीरो डिग्री जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, जीरो डिग्री जहां पे है। अब यहां से 23.5 डिग्री में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर 66 डिग्री इसको क्या बोलते हैं, बोलिए, आर्कटिक सर्किल, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये है आपका पोल, नॉर्थ पोल, इधर है आपका साउथ पोल, ठीक है। अब बताइए 23.5 डिग्री साउथ में क्या होगा, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सीपी कर दे रहे हैं। और यहाँ पे 66.5 डिग्री पे क्या होगा, अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। अब इतना तो बेसिक है। अब जो 23.5 से लेके 23.5 ये बीच का जो एरिया है, ये एरिया, इसको हम लोग कौन सा जोन बोलते हैं, टॉरिड जोन। अच्छा, इसके ऊपर वाला एरिया को क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, है ना। ये नॉर्थ टेम्परेट हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। क्यों, क्योंकि टॉरिड जोन में जो सन जो है डायरेक्ट ओवरहेड होता है, हर एक लैटिट्यूड को साल में एक बार जरूर क्रॉस करता है, तो इस एरिया में गर्मी रहेगा। और इसके ऊपर जो है थोड़ा सा वार्म होगा, ठीक है। तो ये एरिया जो होगा आपका वार्म होगा, ये एरिया जो होगा हॉट होगा, ये एरिया जो होगा वेरी कोल्ड होगा, है ना, फ्रिजिड जोन जो बोलते हैं। इतना बेसिक तो हम लोग पढ़ लिए। अच्छा, लैटिट्यूड के बारे में अब और आगे जो क्लास सिक्स से थोड़ा सा हट के रहेगा। अब बताइए जीरो डिग्री से पांच डिग्री के बीच का जो रीजन है, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये जो एरिया होता है इस एरिया को हम लोग बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। जो अंदर का एरिया है जो ये, इसको बोलते हैं डोल्ड्रम। क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम। और ये जो लैटिट्यूड है इसको क्या बोलेंगे, हॉर्स लैटिट्यूड। क्यों बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, पुराना जमाने में आदमी अफ्रीका, अफ्रीका में जो रहते थे इसी एरिया में रहते थे, तो होता क्या था, समुद्री मतलब नाव से जब वो लोग जाते थे, सीप से, तो समुद्री सीप से जाते थे, तो जब इस एरिया में वो लोग आते थे ना, तो यहाँ पर जो है मतलब टेम्परेचर और हवा का डायरेक्शन अचानक से बदल जाता था, तो उसकी वजह से मतलब उसमें जो है वो लोग व्यापार करते थे, किस चीज़ का, घोड़े का, तो वो फेंकते रहते थे। अचानक से जो हवा है, जो हवा आती है ना, तो अचानक से जो इस एरिया में हवा पार ही नहीं कर पाती है, जैसे अचानक से देखिए ऐसे ऐसे हवा आ रही है, ऐसे ऐसे, तो इस एरिया में तो अचानक खाली खाली हो गया, काल्म कंडीशन आ गया, इस एरिया में हवा मतलब हॉट एयर नहीं आ पाती है, इसलिए 0 डिग्री से 5 डिग्री का बीच का जो एरिया है इसको डोल्ड्रम बोलते हैं, काल्म कंडीशन रहता है, कूल रहता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक रहता है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं हॉट लैटिट्यूड, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, इसको क्या बोलते हैं, हॉट वाला हॉट लैटिट्यूड, क्योंकि इस लैटिट्यूड में आने के बाद जो है हवा का जो डायरेक्शन जो है अचानक से बदल जाता है, ठीक है। अब हवा का डायरेक्शन कैसे जाता है, हवा का डायरेक्शन कैसे रहता है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, कैसा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जहां भी टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो इस एरिया में आप ऑलरेडी हम बता दिए कि भाई ये हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर लो होगा, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, समझते जाइएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका इसी से क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ से 30 डिग्री के बाद, 30 डिग्री पर बात कर लीजिए, अब बेसिक इसको मिटा देता हूँ, तो कंफ्यूजन होगा। ये है आपका, अब हम स्टेट स्टेट ले रहे हैं, एक्चुअली में है नहीं स्टेट, ठीक है ना, समझने के लिए ले रहे हैं। ये है 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, ठीक है। ये है आपका हॉर्स लैटिट्यूड।
अब यहाँ पे है आपका इक्वेटर जो कि लो प्रेशर है। क्यों लो प्रेशर है? क्योंकि हाई टेम्परेचर है, एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, ज्योग्राफी में फिजिक्स में घुसिएगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या होता है, ये लो प्रेशर है तो अल्टरनेट चलेगा। अब इसके ऊपर वाला जो होगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, सॉरी लो टेम्परेचर होता है तो हाई प्रेशर होगा, तो यहाँ भी हाई प्रेशर होता है, यहाँ लो प्रेशर होता है, अल्टरनेट चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। एक पता चल गया ना, ये लो प्रेशर है तो ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। ठीक है, अल्टरनेट है। तो आप टेम्परेचर भी जानते होंगे कि ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाने पे घटता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाने पे बढ़ता है, अल्टरनेट चलता है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो टेम्परेचर भी वैसे ही चलता है, अल्टरनेट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, सबका रीजन अलग है। क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में हमारा क्यों कंडक्शन होता है कि कन्वेक्शन, कन्वेक्शन होता है। ट्रोपोस्फीयर में जो हमारा टेम्परेचर जो डिफरेंस आता है कन्वेक्शन की वजह से होता है, तो हमारा ऊपर जाने पे घटता है क्योंकि धीरे धीरे कन्वेक्शन कमेगा। और स्ट्रेटोस्फीयर में जो हमारा टेम्परेचर इशू होता है वो कंडक्शन की वजह से होता है, तो इसलिए वो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, वो बाद में समझ जाएंगे हम। ठीक है, इतना बेसिक पहले जान जाइए। तो टेम्परेचर जो है तो लो प्रेशर हो गया। अब टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है एज पर ज्योग्राफी रूल। ठीक, अब यहाँ हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा जाएगा, तो ये जो हवा है ये ऐसे की ओर आएगा, हॉट लैटिट्यूड में हवा जो है ऐसे की ओर आएगा। अब बोलिएगा कि ये मुड़ क्यों गया, मुड़ाएगा हम, एक्चुअली हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा आना चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा ऐसे आना चाहिए ना, इसको ये शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हो गया? यहां पे एक फोर्स का नाम होता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स जो है उसको घुमा देता है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? अर्थ के रोटेशन की वजह से। हाँ, अर्थ के रोटेशन की वजह से और हवा के मूवमेंट की वजह से ये जो कोरियोलिस फोर्स जो है, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर आप जाइएगा तो कोरियोलिस फोर्स जो है उसको शिफ्ट कर दिया। तो ये कोरियोलिस फोर्स, अब आप एक क्वेश्चन आता है कि कोरियोलिस फोर्स जो शिफ्ट है ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, हो सकता है क्वेश्चन माइंड में आ सकता है भाई आप कंटिन्यू इधर ही क्यों कोरियोलिस फोर्स शिफ्ट कराए। तो कोरियोलिस फोर्स जो शिफ्ट कराता है वो कंटिन्यूस जो है इधर ही साइड क्यों कराता है, वो हमेशा अपोजिट कराएगा। तो ये मतलब इधर कौन सा साइड है, ये नॉर्थ साउथ क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं, अपना अर्थ कैसे जाता है, वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट अर्थ ट्रेवल करता है, ईस्ट टू वेस्ट में उसको कर देगा। ऐसे भी हवा जैसे जाता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो मुड़ जाता है। ठीक है, फिलहाल इतना समझिए, आगे और समझ में आ जाएगा। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये मुड़ गया, इसका नाम क्या है, विंड का नाम है। विंड क्या होता है, शिफ्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, वर्टिकल मूवमेंट नहीं। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर जो है विंड का जाता है। तो ये विंड का क्या नाम है, ट्रेड विंड। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। अब एक बात बताइए, यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ भी हाई प्रेशर होगा, अल्टरनेट बोला ना आपको, तो यहाँ हाई प्रेशर होगा तो यहाँ का हवा जो है सीधे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ का हवा ऐसे जाएगा। अब बोलिएगा सर आप तो अजीबे कर दिए, एक बार इधर घुमाते हैं एक बार इधर घुमाते हैं, वही तो पूछ रहे हैं कैसा जाएगा। तो यह ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, किधर साइड ओरिजिनल वाला होगा बताइए, कौन जाना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ये कभी भी याद रखिए, कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो लेफ्टवर्ड मूव करेगा। आपका ओरिजिन कहाँ है, यहाँ, यहाँ से लेफ्ट इधर होगा कि इधर, आप यहाँ खड़े हो आपका बायां हाथ इस साइड जाएगा कि इस साइड जाएगा, वो लेफ्ट साइड उधर राइट साइड जाएगा, लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा। तो कोरियोलिस फोर्स हमेशा जो है राइट की ओर मूव होगा, हमेशा ओरिजिन याद रखिएगा राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसमें भी बताइए, अब इसमें भी यहां पर हम खड़े हैं तो ये हमारा राइट इधर होगा कि इधर होगा, ऊपर से हम अगर भरते हैं, ठीक है, ऊपर से अगर हम इसको भरेंगे तो ये एकदम से खाली है तो ज्यादा भरेगा, अचानक से मतलब स्पीड में भरेगा, नहीं तो एक
अब मतलब नया जो है सिरिंज हाँ सिरिंज से नहीं, अब वो नया तरीका से समझेंगे आप लोग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से समझिए ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्ताना है ठीक है, अचानक से दोनों में लड़ाई हो गया, दोस्ताना टूट गया, तो आप क्या होगा उस समय, आदमी खाली खाली फील करेंगे। हेलो हाँ हटा दिए बॉडी, ट्रैक क्लियर है, ट्रैक पर क्लियर ही है, बॉडी रिमूव हो गया तो उसका मैसेज देने का जरूरत नहीं है, तो आरपीएफ से खाली बॉडी रिमूव हो गया उसका ले लीजिए कागज पे। हाँ ट्रैक फिट तो दिया हुआ है ना, खाली बॉडी रिमूव हो गया तो आरपीएफ से मैसेज ले लीजिए, फिर जरूरत नहीं रहेगा ऑब्जर्व करने का। हाँ ठीक है, अब ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने के बाद आपको कैसा फील होगा, खाली खाली सा ठीक है, अब खाली खाली सा फील होगा, आप दूसरा कोई बंदा आपको फिर अचानक से आपको अप्रोच कर रहा है, तो उस समय क्या होगा, आप एकदम से खाली खाली हो, तो उस समय आप कैसा भी लड़का रहे सामने वालों को आप जज नहीं करेंगे, वो खाली खाली को भरने के लिए कोई भी आएगा तो तुरंत अटैच हो जाएंगे। तो उसी तरह से है कि कहने का मतलब, जब आप अचानक से खाली खाली फील करते हैं तो आजू बाजू कुछ भी आपको भर सकता है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, आप खाली खाली है तो लो प्रेशर है, तो जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो आजू बाजू का कुछ भी हो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऑटोमेटिक जाएगा ठीक है। अब अचानक से आप खाली खाली रहेंगे तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिक ज्यादा बढ़ जाएगा ठीक है, तो वही होता है इसमें भी, ये एकदम से खाली खाली है, यहाँ पर भरा भरा है, तो जब भरा भरा है तो यहाँ खाली खाली है, इसको जो है फील होगा कि हम मतलब हेल्पलेस टाइप फील होगा, तो अचानक से ये जो है अचानक से इसको जो है आजू बाजू का ये वहां पर एयर भर जाएगा बैलेंस करने के लिए, कभी भी हर चीज बैलेंस होता है। अब यहाँ पे चार ही पार्टिकल्स है और यहाँ पे 10 पार्टिकल्स है ठीक है, अब यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे कमी है तो यहाँ का जो है बाकी जो है ऐसा बैलेंस करेगा कि 10 और 4 14 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 3 पार्टिकल्स यहाँ पे आके बैलेंस कर लेगा, तो उसी विधि का विधान है, हर चीज बैलेंस होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा, आपका ठंडा है, यहाँ पे गर्म है, सॉरी प्रेशर ज्यादा है, एयर ज्यादा है, यहाँ पे एयर कम है, तो पार्टिकल्स एयर पार्टिकल्स यहाँ पे जितना है यहाँ पे जितना है वापस में इक्वेट कर लेगा ठीक है। इस अब इक्वेट कैसे होगा, यहाँ ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा से कम पे आएगा वो, है ना, तो कभी भी हमेशा विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलता है ड्यू टू पार्टिकल इशू, पार्टिकल बैलेंस इशू, है ना, तो पार्टिकल्स का यहाँ कमी है तो लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर है। आप बताइए, अभी बताया गया आपको कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर शिफ्ट होता है, राइट की ओर, तो आपका ओरिजिन यहाँ है, यहाँ से आपको दिखना है राइट लेफ्ट, तो यहाँ से राइट किधर होगा, इधर की ओर, तो ये हो गया इधर की ओर, तो अब ये जो विंड है इसको बोलते हैं ट्रेड विंड, क्यों बोलते हैं ट्रेड विंड, क्योंकि ये व्यापार में मदद करता था, ये समुद्री इलाका से जब आप जाते थे लोग व्यापार करने, की हवा जो है अचानक से इसको ढकेलता था, हवा जो है इसको मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे ऐसे है तो इसको मदद करता था व्यापार में, तो समुद्र से आदमी जाता था, इसलिए नाम है ट्रेड विंड। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि वो ट्रेड विंड बोलते हैं, वो सब इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो अब ये जो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, है ना, ईस्ट वेस्ट जाते हैं ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। अब यहाँ भी देखिए ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे आप पता है कि लो प्रेशर है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो याद रखिए ये इक्वेटर में हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर होगा, अब ये लो प्रेशर होगा तो उसके बगल वाला हाई प्रेशर होगा, उसके बगल वाला लो होगा, फिर हाई होगा, अल्टरनेट चलेगा ठीक है। अब ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, फिर हवा जो है पार्टिकल्स किधर की ओर जाएगा, राइट की ओर। अब ध्यान रखिए ओरिजिन आप यहां से देख रहे हो तो यहां से राइट कैसे होगा ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो क्लॉकवाइज याद रखना, तो हमेशा मूवमेंट आपको क्लॉकवाइज देना है, नॉर्दर्न में, सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज ठीक है, दोनों में से जो आप याद रखो ठीक है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो इसका जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्लीज, क्यों वेस्टर्लीज बोलते हैं, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ मूव हो रहा है ठीक है, वेस्ट की तरफ मूव हो रहा है इसलिए इसको वेस्टर्लीज बोलते हैं। ये कभी बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस होता है, बहुत ही ज्यादा स्पीड होता है, क्यों, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस होता है, बहुत ही ज्यादा, इसलिए वेस्टर्लीज को मतलब बोला जाता है कि तूफान उफान सब यही लाता है, क्यों होता है फास्ट एंड फ्यूरियस, ज्यादा क्यों स्पीड होता है, ज्यादा पर प्रेशर डिफरेंस होता है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा होता है, क्योंकि अचानक से
यहाँ पर टेम्परेचर तो 23-30 डिग्री पे जो है अचानक टेम्परेचर जो है लगभग सन का टेम्परेचर है, और अचानक से टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा हो गया तो प्रेशर का भी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से अब यहाँ से तो फिर ठंडा हो गया है, अभी बहुत ज्यादा ठंडा है तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन इस रीजन में डिफरेंस ज्यादा हो गया तो डिफरेंस की वजह से स्पीड भी ज्यादा होगा, है ना। पार्टिकल्स में जितना ज्यादा ये कम होगा, ये जितना ज्यादा होगा उतना तेजी से आएगा, है ना। तो ये तेजी से ज्यादा होता है। इसमें जो है तीन होता है, एक 30, एक 40, एक 50, फिर उसके बाद जो है नॉर्मल वेस्टर्लीज होता है। तो 30, 40 और 50 इसका एक अलग अलग नाम होता है। 30 डिग्री नॉर्थ को आपको बता दिए हॉट लैटिट्यूड बोलते हैं, है ना। 30 डिग्री को क्यों हॉट लैटिट्यूड बोलते हैं, क्योंकि 30 डिग्री के बाद हवा का रुख अचानक से बदलने लगता है। अभी जो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड क्या कर रहा है, व्यापार में मदद कर रहा है, है ना। आपको हवा मतलब जिधर जाना है उधर ही इधर कर रहा है, आपको हवा फायदा करा रहा है। लेकिन 30 डिग्री के पास जब पहुंच जाइएगा तो आपको जो है हवा 30, 40, 50 और ये हो गया 60, ठीक है। तो मतलब 23 है या 66 है, ठीक है। तो हवा का रुख तेज है इसलिए स्पीड इसका ज्यादा तेज है। अब इसको 30 डिग्री नॉर्थ को स्पेशल नाम दिया गया है हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए नाम दिया गया है कि ये लोग जो है व्यापार क्या करते थे, घोड़े से जो है समुद्र में जाते थे, और अचानक से व्यापार 30 डिग्री जब नॉर्थ पे जाते थे ना तो 30 डिग्री नॉर्थ से हवा का रुख बदल जाता था। जैसे आप जा रहे हैं कंटिन्यू इधर, आप हवा आपको ढकेलते जा रहा है तो आपको फायदा हो रहा है, जल्दी पहुंच रहे, लेकिन 30 डिग्री नॉर्थ पर जैसे ही पहुंचे वो हवा का रुख उल्टा हो गया। ये उल्टा हो गया ना, हवा ऐसे था ऐसे हो गया। तो 30 डिग्री पे पहुंचने के बाद हवा का रुख जो है उल्टा हो गया, तो वहां पे क्या करते थे, उनको क्या लगता था, कह रहा है हमारा सीप भारी हो गया इसलिए हमारा ढके जा नहीं पा रहा सीप। तो क्या करते थे, जो घोड़े है ना सीप में उसको उठा उठा के फेंकने लगते थे समुद्र में, ठीक है। ऐसा उनका उनको क्या मालूम कि हवा का रुख बदल गया है, ये सब इशू के कारण ज्योग्राफी थोड़ी पड़े थे। तो वो हवा का रुख बदलने की वजह से उनको लगा कि भाई घोड़ा ज्यादा है, भारी हो गया है, ज्यादा खाल लिया है, धीरे धीरे भारी हो गया, तो घोड़ा को फेंकने लगते थे। तो इसकी वजह से ये इसका नाम रखा गया 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है। तो ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा क्यों ट्रेडविंड नाम क्यों दिए, हॉर्स लैटिट्यूड नाम क्यों दिए, है ना। अब ये स्पीड ज्यादा होता है इस सब का नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं रोरिंग 40, ठीक है। 50 को क्या बोलते हैं, फ्यूरियस 50। सब नाम देख रहे हैं, भयंकर नाम है ना, मतलब स्पीड ज्यादा वाला। रोरिंग मतलब दहाड़ना, फ्यूरियस मतलब बहुत तेज चलना, और 60 डिग्री का नाम दिया गया है श्रीकिंग 60, ठीक है। ये हवा का नाम है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे डिफरेंस ज्यादा होता जा रहा है, तो स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो नाम अलग अलग दे दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो है हवा जो है इधर की ओर जाता है, तो ये जो है आपका पोलर विंड है, ठीक है, पोल का विंड है। तो विंड का डायरेक्शन उसी तरह से आप इधर बताइए, ये जो है हाई प्रेशर है तो ये लो प्रेशर होगा, ये हाई प्रेशर होगा, अल्टरनेट चलेगा, उतना दिमाग नहीं लगाना है, अल्टरनेट चलेगा, ठीक है। अब अल्टरनेट चलेगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, तो हाई प्रेशर यहाँ है, लो प्रेशर यहाँ है, जाएगा इधर की ओर। अब मूव किधर करेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में किधर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दे रहे हैं। इसका नाम होता है ईस्टर्लीज। उल्टा बता दिए क्या भाई, ये होता है ईस्टर्लीज, ये वेस्टर्लीज होता है ना, नहीं वो पोलर ईस्टर्लीज, ऊपर वाला पोलर ईस्टर्लीज, हां ये पोलर ईस्टर्लीज, ये भी वेस्टर्लीज है, हां हां सॉरी, ये है पोलर ईस्टर्लीज, ये हो गया वेस्टर्लीज, किधर क्यों मूव हो रहा, वेस्ट की तरफ मूव हो गया ना, इसलिए वेस्टर्लीज हो गया। अब यहां देखिए हाई प्रेशर है लो प्रेशर है, किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे क्यों जाएगा हाई से लो, तो ये हो गया ईस्टर्लीज, ये ईस्ट की तरफ मूव हो रहा है कि नहीं। तो ये जो भी हवा है उसका नाम आप इस कंसेप्ट से समझ सकते हैं। अब इसको आप समझे चाहे नहीं समझे, अब ये ठेठ भाषा समझिए, ठीक है, बिहार मतलब गवार वाला भाषा, मतलब जिसको जो है समझ नहीं आता है सिर्फ याद करना रहता है वो वाला, ठीक। ये है हमारा ग्लोब, ये है हमारा 0 डिग्री, इसका जो है 5 डिग्री वाला जो होता है इसको बोलते हैं डोल्ड्रम। अभी बताया ये कि काम क्यों होता है, हवा ऐसे ही निकल जाता है बीच में खाली खाली रहता है, ऐसे निकल गया हवा लेकिन ये बीच में खाली खाली रह गया, ये डोल्ड्रम है, काम रीजन है।
5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक, ठीक। अब उसके बाद जो है यहाँ से लेकर के 30 डिग्री को जो हम लोग बोलते हैं, 30 डिग्री को बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। तो हवा को हम लोग 23 से नहीं समझते हैं, 30 से समझते हैं, ठीक है। तो 30 के बाद ये आ गया आपका 60, और ये आ गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, ये भी हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 60, साउथ नॉर्थ, ये साउथ हो गया। अब हम आपको बता दिए हैं कि भाई ये है हमारा इक्वेटर, इक्वेटर पे हमारा प्रेशर जो होता है लो होता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर का उल्टा होता है प्रेशर, ठीक है। तो टेम्परेचर का उल्टा प्रेशर होता है। अब हम लोग ट्रोपोस्फीयर में है तो हमेशा कन्वेक्शन से ही डिफरेंस होता है, कन्वेक्शन से ही हीट ट्रांसफर होता है। तो ये लो प्रेशर है तो क्या होगा, ये हाई प्रेशर होगा कि नहीं। 30 के बाद ये 60 वाला क्या होगा, लो प्रेशर, अल्टरनेट चलेगा तो ये हाई प्रेशर, ठीक है। उसी तरह से आप ये इधर भी वैसे ही चलेगा अल्टरनेट, तो ये लो प्रेशर है तो ये हो जाएगा हाई प्रेशर, ये हो जाएगा लो प्रेशर, ये हो जाएगा हाई प्रेशर, अल्टरनेट, ठीक है। अब ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर है, हाई से लो हवा जाएगा कन्फर्म है। और ये आप इतना एरिया जान गए कि ये इसके ऊपर वाला जो है नॉर्थ है, इसके ऊपर वाला साउथ है, नॉर्थ में क्लॉकवाइज, साउथ में है एंटी क्लॉकवाइज। अब हमको खाली क्लॉकवाइज घुमा देना है, हम ये क्लॉकवाइज घुमा दिए। अब देखिए ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मूव हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। इधर तो याद रखना पड़ेगा कि हाँ ट्रेड विंड बोलते हैं, ठीक है। अब इधर भी है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, हमको घुमाना क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में हमको कैसे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए। अब ये भी देखिए ईस्ट की तरफ मूव हुआ ना, तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है। अब ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, हवा किधर की ओर घुमाएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज राइट साइड, तो क्लॉकवाइज घुमा दिए। तो ये हमारा जो है वेस्टर्ली होता है इसका नाम, ठीक है। और ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, हवा किधर की ओर घुमाएंगे, क्लॉकवाइज जैसा बोलो, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्ली, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ घुमा। उसी तरह से ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, इधर से इधर घुमाना है, हवा किधर की ओर घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो किधर की ओर गया, ये वेस्ट की तरफ, तो ये सदर्न वेस्टर्ली है ये, ठीक है। अब इधर ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, हवा किधर की ओर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया ईस्टर्ली, ठीक है। नाम समझ में आ गया, 30 डिग्री नॉर्थ को हम लोग बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। उसके बाद जो है 30 से 60 में तीन हवा का नाम है, 40, 50, 60। 40 को हम लोग बोलते हैं रोरिंग, रोरिंग 40, 50 को बोलते हैं फ्यूरियस 50, और 60 को बोलते हैं श्रीकिंग 60, ठीक है। ये नाम हो गया। अब आ जाइए प्रेशर बेल्ट। अब इधर आपको अभी समझाया था कि ये जो हाई प्रेशर है इसलिए गर्म हवा, ये समझ में आया था ना आपको, हाँ। तो ये जो प्रेशर बेल्ट जो होता है इसमें जो है इधर भी प्रेशर डिफरेंस, सनलाइट की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ हाई बन जाएगा और यहाँ लो बन जाएगा। तो ये जो हवा है ये कैसे क्यों मूव हो रहा है, देखिए यहाँ फिर क्लॉकवाइज नॉर्दर्न साइड जा रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, याद रखिए क्लॉकवाइज। तो हम नॉर्दर्न साइड जा रहे हैं, ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया। तो ये जो बेल्ट है एक बेल्ट बना, उसी तरह से यहां और यहां में भी एक बेल्ट बनेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे एक बेल्ट बना, ठीक है। तो ये जो एक बेल्ट बना, ये वाला मतलब आप ये अगला लेयर का है, ये एक नीचे लेयर का एक सर्किल टाइप बना कि नहीं, नीचे लेयर की बात कर रहा है, अभी अगला लेयर के बाद में। तो एक सर्किल टाइप जो बन रहा है, ये सर्किल टाइप का जो है तीन बेल्ट बनता है ऐसा ऐसा, ठीक है। जैसे यहां हाई से लो जाएगा फिर ये उठेगा, ठीक है। तो ये भी एक सर्किल बनाएगा क्लॉकवाइज, ये भी एक सर्किल बनाएगा क्लॉकवाइज। तो खाली इतना याद रखिए कि यहां पर एक क्लॉकवाइज सर्किल बना, यहां पे एक क्लॉकवाइज सर्किल बना, और यहां पे एक क्लॉकवाइज सर्किल बना, हवा का मूवमेंट। तो ये तीनों का नाम बताइए, बेल्ट। उसी तरह से नीचे में भी बनेगा, नीचे में एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बनेगा, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बनेगा, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बनेगा। हवा का मतलब यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ हाई, यहाँ लो, यहाँ हाई, इस तरह से लो हवा का जो है ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके ऐसे जाएगा। तो एक सर्किल का एक बेल्ट बनेगा,
पोलर सेल, पोलर पेलर सेल ऐसा है। क्या क्या नाम है, नाम बताइए। बेल्ट बस याद रखिए, सदन में एंटी क्लॉकवाइज का एक बेल्ट, तीन बेल्ट बनेगा, इसका भी तीन बेल्ट बनेगा, इसको बोलते हैं सेल। तीन सेल है, तीनों सेल का नाम बताइए। एक पेरल सेल, ये वाला पेरल सेल, हाँ ये वाला पेरल सेल, पेरल सेल ये वाला पेरल, पहला वाला नहीं नहीं ये वाला पोलर सेल, हाँ पोलर सेल, हाँ ये पेरल सेल, हाँ और बीच वाला कुछ तो नाम है, बीच वाला कुछ तो भी सेल क्या है, एफ सही है। देखिए इसमें देखिए पेरल सेल और ये पोलर सेल, इतना समय दिए फिर भी नहीं ध्यान रखे, ठीक है। तो ये हार्डली सेल बनता है, पेरल सेल बनता है, पोलर सेल बनता है, कैसा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो कि नॉर्दर्न में है। सदर्न में कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं प्रेशर बेल्ट, ये प्रेशर बेल्ट है सेल का, ठीक है। वैसे ये भी है हार्डली सेल, पेरल सेल, पोलर सेल, ठीक है। तो ये सेल का नाम है, ये आपका एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। तो आज बोले इतना ही, बाकी हम लोग आप चैप्टर नंबर 1 देख लीजिएगा लेक्चर, ठीक है। ओके थैंक यू।